शहर कोलकाता की वार्ड नंबर 41 के सावित्री देवी कॉलेज में वार्ड नंबर 41 के तृणमूल यूथ कांग्रेस की ओर से एक सामूहिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, तृणमूल युवा कांग्रेस की राज्य अध्यक्षा और टॉलीवुड अभिनेत्री शायनी घोष मुख्य रूप से उपस्थित हुई। इसके अलावा तृणमूल युवा कांग्रेस से शांति रंजन कुंडू, प्रियदर्शनी घोष बावा, काउंसिलर सचिन सिंह, काउंसिलर सुमन सिंह, बोरो चेयरपर्सन रिहाना खातून, काउंसिलर तारकनाथ चट्टोपाध्याय समेत वार्ड नंबर 41 के काउंसिलर रीता चौधरी, डॉक्टर उमेश चौधरी, वार्ड नंबर 41 के टीएमसी प्रेसिडेंट तपन रॉय, तृणमूल माइनॉरिटी लीडर सोफिया खान, मोहम्मद माजिद, शाहजेब अहमद, नूर कलीम शाहिद, तौसीफ आलम अजरू, राजेश सिंह वगैरह ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक वार्ड नंबर 41 के तृणमूल युवा अध्यक्ष सूरज यादव ने इस मौके पर कहा है कि इस बार हम लोगों को खुशी है कि इस बार 200 लोगों ने अपना रक्तदान किया और आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ते जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि अपने साथियों और पार्टी के सभी कर्मियों को इस कार्यक्रम की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आने वाले दिनों में अपनी नेत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान करके ही दम लेंगे। देखिए, लड़ाई अगर इंडिया और एनडीए के बीच में होगी तो स्वाभाविक है कि इंडिया के लिए लड़ेगा, एनडीए के लिए नहीं लड़ेगा। और हम जो एक अच्छे मकसद से आगे बढ़ रहे हैं, हमको देश को तोड़ने का काम नहीं करना है, हमको देश को जोड़ने का काम करना है। एनडीए देश को तोड़ने का काम कर रही है और इंडिया, टीम इंडिया देश को जोड़ने का काम करेगी। और ये मेरा विश्वास है कि जो जो लीडर्स आगे से नेतृत्व दे रहे हैं उन पे सबको बहुत विश्वास है और भरोसा है कि आगे जाके और उमदा होगा। सॉरी, ब्लड डोनेशन कैंप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 41 नंबर वार्ड नहीं, सूरज इज अ वेरी ब्राइट गाय, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। हमारे सभापति नॉर्थ के यहाँ पे है शांति रंजन और मेरा पूरा यूथ टीम है हमारे साथ, तरुण है, सचिन है और सब है। और बस लोगों के साथ घुल मिल के रहे, सबके साथ सबके हित में काम करें। हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यही चाहते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, तो यहाँ से क्या मैसेज देंगे? देखिए, लड़ाई चाहिए, हमारी नेत्री बोलती है लड़ाई 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 चाहिए, जंग जारी है, लड़ाई को वास्ते चाहिए। हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, इट्स अ टीम वर्क। हम लोग दो टीम लेके काम करते हैं, एक इंटरनल एक आउट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारी ये जो टीम है हमारे सामने खड़ी है, इन लोगों का पूरा कोऑपरेटिव कोऑपरेट रहता है। पूरा हम लोग मंच संचालन से लेके ब्लड डोनर से लेके आगे पीछे सब कुछ देना देना सब यही लोग हम लोग के साथ में मिलकर करते हैं। और एक बी टीम होती है जो पीछे से बैकहेंड होती है, ब्लड डोनर को कैसे क्या करना है, उसका खाना कैसे करना है, दूध कैसे देना है, ग्लूकोज कैसे देना है, वो पीछे के तरफ में, वो लोगों के सामने में नहीं आती। तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, हर साल करते रहे। इसी कारण से पहले साल हम लोगों ने लगभग 85 ब्लड डोनर किया था, सेकेंड ईयर हम लोग उसको 105 में तब्दील किए और इस ईयर हम लोग उसको लगभग 200 पार कर चुके हैं। और ये टीम के जो साथ है, ये साथी टीम के कारण हम लोग ये 250 ब्लड डोनर कवर कर पाए। सुदीप बंदोपाध्याय से लेकर सायनी घोष और टीएमसी के कई बड़े नेता आए थे, उनके आने से आप लोग का हौसला कितना बुलंद हुआ? देखिए, फिर से मैंने बोला, ये टीम वर्क है। हमारे युवो के जितनी भी टीम है, आरजू आलम से लेके सहबाज रहमान, गुल्लू भाई, रमजान, दीपक, पिंटू, भरत, ये पूरे हम लोग एक टीम है। टीम के सपोर्ट से हम लोगों ने सानिधि के पास गया, चिट्ठी दी, उन लोग से आने का निमंत्रण किया। उन लोग सानिधि ने पहले कैसा ब्लड डोनेशन हो रहा है, हम लोग आके बार देखिए। तो सुदीप दा तो पहले ही कंफर्म कर चुके थे, क्योंकि सुदीप दा को लेके हम लोग सारा चीज़ करते हैं यहाँ पर। सुदीप दा ने हम लोग का बहुत हौसला बढ़ाया, हर साल हम लोग सुदीप दा प्रोग्राम पे आते हैं। फर्स्ट टाइम सानिधि आया, ये सानिधि को बहुत प्रोग्राम अच्छा लगा। ये पूरी टीम वर्क है, 41 नंबर वार्ड काउंसिलर रीता चौधरी और तपन राय के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े हैं। और शांति रंजन कुंडू, जिनका योगदान हम लोग का पूरे प्रोग्राम में हमेशा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय यदि शांति दा को फ़ोन किया जाए, हर समय हम लोग के तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। शांति दा के साथ हम लोग ने सानिधि को इस बार निमंत्रण किए थे। तमाम काउंसिलर, बहुत सारे जिला कमेटी से भी हम लोग के बीच में आए, हम लोग को उत्साहित किए। यदि हम लोग का सब इसी तरह के साथ रहेगा तो आने वाले समय में ये ब्लड डोनर का हिसाब किताब हम लोग 500 तक लेके जाएंगे। 41 क्वाड के जो युवा है, जो यूथ है, उनमें आज जबरदस्त जोश से उत्साह है। उत्साह यही है कि यहाँ के टीम लीडर जो भी है, सब एक से एक अच्छे लोग हैं और हम लोग का साथ मजबूत लोगों के साथ में, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, इन लोगों के साथ हर समय हम लोग को मिलते रहता है। और शांतिदा का टीम से जब से हम लोग जुड़े हैं नॉर्थ कलकत्ता से, उनका भी सपोर्ट होता है। इस कारण 41 नंबर के युवाओं में अच्छा सा जोश है और हम लोग हर प्रोग्राम में एक साथ में हम लोग बढ़िया करते हैं। आपके जो साथी है, जो आपके साथ है, इनके लिए आप क्या बोलेंगे? ये साथी नहीं है, भाई है अपना। इन लोग के कारण ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। ये टीम TMYC 41 है जिनके कारण ये प्रोग्राम हुआ।
इनको ही धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं दिल से, सभी लोगों को पता है दिल से, फिर से धन्यवाद टीम 145 टीएमसी में। सूरज यादव के नेतृत्व में हम लोग हर काम करते हैं, ज़्यादातर हम लोग उनका नेतृत्व में काम जो करते हैं तो ज़्यादातर सक्सेस ही होता है, तो उन्होंने तो सब बात बोली दिया, ज़्यादा कुछ बात बोलने का नहीं है, तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं जय हिंद जय बांग्ला, आगे इंशाल्लाह और अच्छा काम होगा, आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़िए, और 200 डोनर भी पार हो चुका है अभी तक में, आगे देखिए और इससे भी ज़्यादा का संभावना है। ठीक है, बस यही कहूँगी कि केंद्र में जो बैठे हैं वो खून चूसते हैं, और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेतृत्व में जो भी काम करते हैं वो खून देते हैं, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि रक्तदान सिर्फ यहीं नहीं, आप बंगाल के किसी भी कोने में चले जाइए, हर दिन कम से कम हज़ारों से ऊपर रक्तदान होता है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। यहाँ पर मैं 41 वार्ड के युवा टीम खासकर सूरज जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देश में जो मौजूदा हालात हैं वो ठीक नहीं है, बहुत गंभीर माहौल है, जहाँ पर लोगों में भड़काऊ भाषण है, हिंदू मुसलमान करके भी आपने फिलहाल ही देखा किस तरीके से गोली बरसाया गया, चेतन सिंह ने एक पर्टिकुलर लोगों को चुन चुन कर मारा, यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं शिक्षक हैं जो बच्चे के अंदर जो है घृणा पैदा कर रही थी, तो कहने का ये मतलब है कि पूरे देश में जो ये अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे में आप बंगाल में आइए देखिए, हर कोने में हर गली में कुछ अच्छा मैसेज जाता है, कुछ अच्छा पैगाम जाता है, पूरे यहाँ से उठ के पूरे देश में इसको सिखाया जाता है कि देखिए जहाँ पर तोड़ने की बात हो रही है, जहाँ पर लड़ने की बात हो रही है, मारो काटो मारने की बात हो रही है, मस्जिदों को तोड़ने की बात हो रही है, जहाँ पर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ बंगाल में इस तरीके का जो रक्तदान है या कोई भी ऐसा काम है वो हर कोने में हो रहा है, तो मैं पूरे टीम को धन्यवाद दूंगी, पूरे टीम को जो है मैं दिल से धन्यवाद दूंगी कि ऐसा और भी आगे करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। ये 3 साल से हो रहा है, जब से सूरज यादव को हम लोग का प्रेसिडेंट बना है तब से ब्लड डोनेशन चालू हुआ, आस्ते आस्ते हम लोग का नंबर ऑफ ब्लड डोनर बढ़ते जा रहा है, इस बार हम लोग का 200 टारगेट है, तो गाड़ी के खराब हो जाने के कारण थोड़ा बहुत लेट हो गया है, सुदीप दा भी आए थे, और इस अंचल में थोड़ा रेसिडेंस कम है, आपका वर्कर बेसी है थोड़ा, तो हम लोग का डोनर भी मोटा मोटी वर्कर लोग ही है, आजकल आदमी का भय भीति थोड़ा कम हो गया डोनर्स के लिए, और लेडीज़ डोनर भी हम लोग को 15-20 जाने था, वो गाड़ी ख़राब हो जाने का कारण थोड़ा लेट हो रहा है, तो हम लोग का 20 कम से कम 20 जने लेडीज़ डोनर होगा। और ऑर्गेनाइजिंग टीम में सभी युवा है, युवा में जबरदस्त जोश दिख रहा है, एक्साइटमेंट है, क्या बोलिएगा? नहीं, अभी युवा का ही तो संगठन जोरदार होता, सब पार्टी का ही, युवा से ही, छात्रों से युवा से मेन जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें जाता है, तो युवा स्ट्रांग नहीं होगा तो मेन ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया नहीं होगा, इसीलिए युवा संगठन को मजबूत होना चाहिए और मैंने बहुत एंथुजियास्टिक होना चाहिए। बोलने का कुछ नहीं है, बोलने का एक ही बात है जो तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, तृणमूल युव कांग्रेस कर रहा है, और तृणमूल युव कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस करने का लिए हर टाइम आदमी से जुड़ा हुआ रहने होगा, सामाजिक काम करने होगा। ममता बनर्जी ने जो दिन ये दल गठन किए थे वही दिन ही बोल दिए थे, खाली झंडाबाजी और नाराबाजी करने के लिए ये राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक दल खाली आदमी का सेवा का लिए रहेगा, आदमी का संग जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए आज ये राजनीतिक दल जितना हर वार्ड का वार्ड में इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप करता है, ऐसा कोई राजनीतिक दल दिखा नहीं सकते पश्चिम बंगाल में, कोई राजनीतिक दल करता है। तृणमूल कांग्रेस करने से हम लोग ऐसे ही तरह से सामाजिक कार्य करते रहेंगे, ममता बनर्जी के संग में रहेंगे और आदमी का संग जुड़ा हुआ रहेंगे। आज वार्ड 41 में यूथ कांग्रेस के तृणमूल यूथ कांग्रेस हमारे सूरज और तमाम लड़कों की तरफ से ब्लड डोनेशन का इंकदात किया गया है। ये दान जो है ये महादान है समझे, इस दान का कोई बदल नहीं है। अब ब्लड डोनेशन हमारे बंगाल में हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है जिस हर वार्ड में साल में एक दो बार कराते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन या ब्लड देना खून देना इससे बड़ा अच्छा काम कोई पार्टी नहीं सिखा सकता है, जो हमारी नेत्री ने सिखाया है कि तमाम लोगों के लिए काम करो और जो लोगों को तुम्हारा
से फायदा पहुंचे वही काम करो, राजनीति अपनी जगह और सोशल काम अपनी जगह, इससे बड़ा महादान नहीं हो सकता है। यही बात सूरज कुमार हमारे साहित भाई है, तमाम बुढ़ु है हमारा, तमाम साथी लोग आज जुड़े हुए हैं, तकरीबन 200 क्रॉस कर गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हेलो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भारतवर्ष का जो परिस्थिति है अगर आप वो देखें तो वहाँ पे लोग देश को तोड़ रहे हैं और यहाँ हम लोग हर एक वार्ड में देश को, आवाम को, जनता को जोड़ रहे हैं। रक्तदान से ऊपर और कोई दान नहीं होता है। आज जब यहाँ पे ब्लड डोनेशन चल रहा है, कल जब ये ब्लड बैंक में जाके ये ब्लड किसी को दिया जाएगा, किसी का एक्सीडेंट है, किसी को डेंगू हुआ है, प्लेटलेट चाहिए, किसी को किसी के बच्चे का थैलेसीमिया है, उसको ब्लड चाहिए, तो फिर कोई नहीं देखेगा कि ये कोई तृणमूल कांग्रेस का कर्मी दिया है या किसी हिंदू ने दिया है या किसी मुसलमान ने दिया है या सिख या ईसाई दिया है। वो खून है, किसके साथ किसका खून का रिश्ता बन जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पूरे देश को अगर कोई जोड़ सकता है आगे जाके, यही चिंताधारा लेके जाके, तो वो एकमात्र हमारी जननेत्री है ममता बनर्जी। उनके उनका जो आदर्श है, उनका जो चिंताधारा है, इसी वही सब हम लोग मोटिवेशन के तौर पे लेके, हम जितने भी नव प्रजन्म है हम लोग ये सब कार्यक्रम करते हैं, आगे भी करेंगे। रक्तदान शिविर और इनके सारे आयोजक को मेरा एकदम आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन मैं देती हूँ सभी को। अभी क्या बोलिए, ब्लड डोनेशन कैंप जो है ये एक अजीम अमल है, और इस अमल को जो लोग इंसानियत के नाते जो इस्तेमाल करते हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उनके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं कि जो अपने जिस्म का खून दे करके, क्योंकि हमारी पश्चिम बंगाल की जिसे हम रहबर मानते हैं, उस रहबर ने हम लोगों को सिखाया है कि हम इस ज़मीन पर सिर्फ आए हैं जीने के लिए नहीं, ऊपर वाले ने हम लोगों से भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि हम लोग दूसरों के लिए जिएं, और इससे बेहतर कोई दान नहीं हो सकता कि किसी इंसान के ज़रिए किसी इंसान की ज़िंदगी बचाई जाए। तो एक बेहतर और ख़ूबसूरत अमल है, जो इस अमल को हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि इस पार्टी और इस मसीहा, इस रहबर के क़यादत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग कर पा रहे हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, जिन लोगों ने अपना खून अतिया किया है उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों के ज़रिए ही हम अपने कैंप का जो है अमल पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो वक्त आ रहा है और सेहत की जो हालत हो रही है नौजवानों, वो उसके लिए आप लोगों को आने वाले वक्त के लिए तैयारी एक चीज़ की करनी होगी कि आप कोई भी अगर नशा करते हैं, यहाँ तक कि अगर पान पराग का भी इस्तेमाल करते हैं, उसे भी छोड़ देना होगा। आने वाला वक्त बड़ा कठिन है, कभी भी आपके खुद अपने फैमिली में किसी की ऐसी ज़रूरत पड़ जाएगी जब आपको अपना खून उनको देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और अच्छे रास्ते, सच्चे रास्ते को अपनाइए। ऊपर वाले जी सूरज यादव और उनकी टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत दास आज का पूरा मौका, देखिए कोई भी टीम हो, यूथ का हो, जय हिंद वाहिनी हो, कोई भी टीम हो, हर टीम की क़यादत में हम लोग महसूस करते हैं कि हमारी नेत्री ने इसका क़यादत किया है, और उन्हें सोच के ही हम लोग हौसले को आगे लेकर के बढ़ते हैं। सूरज के लिए मुबारकबाद है, सूरज के साथ हम सभी जितने भी वार्ड में हमारा यूथ का जो तंजीम है, हम लोग ज़हनी तौर पे उनके साथ हैं, क्योंकि पार्टी के ये लोग हाथ पांव हैं जिनके ज़रिए हमारा पार्टी बहुत मजबूत होता है, तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं और उसके मुबारकबाद देते हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.